বলুন বলুন কি হয়েছে বলুন। भाजपा के युवा नेता पामेला गोस्वामी को शुक्रवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वह अपनी कार के अंदर कोकी ले जा रही थी। पुलिस ने उनके दोस्त प्रवीर कुमार डे को भी न्यूअलीपुर इलाके में एनआरआई वेन्यू से गिरफ्तार कर लिया है। भाजपा युवा मोर्चा की पर्यवेक्षक और हुगली जिले की महासचिव पामेला गोस्वामी को कोलकाता के न्यूअलीपुर से कई लाख रुपए की कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया। महिला नेता की कार में बड़ी मात्रा में अवैध ड्रग्स मिला था। भाजपा नेता को न्यूअलीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को पहले ही बीजेपी नेत्री पामेला की ड्रग की लत के बारे में जानकारी थी। उनके करीबी सहयोगी और भाजपा नेता रविंद्र कुमार डे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान न्यूअलीपुर में सड़क पर उनकी कार को रोका और उसकी तलाशी ली और पामेला के बैग और कार से 100 ग्राम कोकीन बरामद की गई। पकड़ी गई कोकीन की कीमत बाजार में लाखों रुपए के आसपास है। पुलिस के मुताबिक कार की तलाशी लेने पर लगभग 90 लाख रुपए की नशीली सामग्री जो कोकीन प्रतीत होती है उसे बरामद की गई। Side this.